वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। हम मिस सादिया से कहेंगे थोड़ा कंटिन्यू करें। मिस सादिया, आपने जो ये भी फैमिली ओरिएंटेड बात की, फैमिली का जो अलग अलग पार्ट होता है हर मेंबर का, फैमिली में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें बच्चों के बारे में से ना, जो जरा अर्ली एज में जो थोड़ा जो एक्स्ट्रा ऑर्डर डिसऑर्डर नजर आता है या कोई हाइपर होते हैं ज्यादा बच्चे, ये कंप्लेंट जी बहुत है आजकल। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे शुरू में यासिर ने बात की थी कि स्टिग्मा है एक हमारी सोसाइटी में, जहाँ एडिक्शन के हवाले से स्टिग्मा है, वहाँ साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इन पे भी स्टिग्मा है। अगर किसी बच्चे में, मुजाहरे चाइल्डहुड से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, किसी बच्चे में कोई कोई भी इशू आ रहा है, हाइपर एक्टिविटी का इशू आ रहा है, या वो पढ़ाई में सही से पढ़ नहीं पा रहा है, तो पेरेंट्स उस चीज़ को एज अ डिजीज नहीं लेते या उसको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाते। अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे तो वहाँ आइडेंटिफाई होगा कि आया बच्चे को हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, या उसको डिस्लेक्सिया है, पढ़ने लिखने का इशू, या उसका आईक्यू इतना कम है कि वो पढ़ नहीं सकता ये है। बिल्कुल, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। जी, तो तो स्टिग्मा की इसका वजह से फोकस का और पेरेंट्स, अटेंशन का भी तो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है ना। जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का जी डिसऑर्डर है, उसमें जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज़ पे अटेंशन या फोकस बरकरार नहीं रख सकता। बहुत ही 2-3 सेकंड्स का उसका कंसंट्रेशन स्पैन होता है। अच्छा, और जो डिसलेक्सिया होता है, उसमें इंग्लिश और मैथ्स की चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं, तो वो टीचर्स भी उसको मार रहे होते हैं, पेरेंट्स भी मार रहे होते हैं। घर में चाहे पेरेंट्स हों, दादा दादी हों, उन सबको बच्चों के एक एक छोटी छोटी चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि आज मेरा बच्चा स्कूल से आया है तो इसके बिहेवियर में क्या चेंज है। पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। बहुत 2 इयर्स 3 इयर्स की एज से अपने बच्चे के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज़ पे कहाँ डिफरेंट आ रहा है इसमें, और वो वहीं से जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से अपने बच्चे का असेसमेंट करवा लें तो वो आगे की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को वहीं पे छोड़ दिया जाए तो वो बढ़ता रहेगा, खुद ब खुद ठीक नहीं होगा, और वो बच्चे के लिए एक जहनी टॉर्चर है। अब अगर बच्चे का आईक्यू कम है या वो किसी ऐसे प्रॉब्लम में है, तो वो ना घर में सही से उसका एटीट्यूड होगा, ना घर के बाहर, ना स्कूल में। और अगर किसी कोई बच्चा ऐसा है तो हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो जाए आगे चल के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर का इंटरनली शिकार होता है कि मेरी बात कोई समझ नहीं सकता, सही है। हाँ, तो वहाँ पे बच्चों की वो जो फिर पर्सनैलिटी रिएक्शन आ रहा खराब था बच्चों जाती का, है। तो फिर वो उसमें फिर हाइपर मोड में आ जाते हैं वो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी चीज़ों में जब बच्चा निग्लेक्ट फील करता है फैमिली की तरफ से, तो वो बाहर बहुत सारे लोगों में चला जाता है, खराब कंपनी में जा सकता सही। है। हमारा जो परवरिश में हम लोगों ने, जैसे जहाँ हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिवेंशन का बताते हैं, वहाँ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल में भी किए हैं। टीचर्स को, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड की है बहुत इन चीज़ों के हवाले से कि चलो। बच्चा अगर कहीं किसी गलत चीज़ में जा रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, और बच्चों को भी बताया क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं बिल्कुल है। सही। अब जैसे मैंने स्कूल में जॉब की थी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो निग्लेक्ट का शिकार थे और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे थे, एजुकेशनल इश्यूज आ रहे थे, और सोशल इश्यूज आ रहे थे, और उनकी अच्छा, पर्सनैलिटी आप समझ लें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी कम्प्लीटली। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में होने चाहिए कि टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीज़ मेरे साथ हो रही है। वैसे तो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक माँ जिसने बच्चे को पैदा किया है, वो ना भी बोले तो वो समझ जाती बिल्कुल है कि सही इसके जी। साथ क्या इशू है, तो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ठीक है। पेरेंट्स को उसके लिए ऑब्जर्वेशन देनी है, बच्चे को टाइम देना है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं और दादा दादी के पास छोड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को इतना नहीं मालूम होता अपने बच्चों का जितना दादा दादी को पता होता ठीक है। है। और दादा दादी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज बच्चे का रवैया डिफरेंट है या इसके बिल्कुल अंदर कुछ दिनों से चिड़चिड़ापन आ रहा है, जी जी बिल्कुल, तो वो दैट कैन चीज़ें बी। हाँ, आइडेंटिफाई वो हो उस सकती टाइम पे। हैं। हाँ लेकिन निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए ना। अब छोटा बच्चा है, वो अपनी बातों को खुल के बयान नहीं कर सकता, तो वो एग्रेशन शो करता है। सही, बिल्कुल ठीक है। जो उसकी कैपेसिटी होगी वो वहीं से रिएक्ट करेगा। ये अच्छा यासर सर, इसके अंदर जेनेटिक्स कितना
पार्ट प्ले करती हैं। अब हम अर्ली एज में बात कर रहे हैं बच्चों की, अगर कुछ इस तरह की मूड्स हैं, मूड स्विंग जा रहे हैं, तो उसमें जेनेटिकली भी तो कोई इनपुट आ सकता है। बिल्कुल, देखें जेनेटिक भी इनपुट होता है, जैसे मिस सादिया ने कहा कि साइकोलॉजिकल जो एक तरह से को डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं अगर जीन्स में यानी मुझे मिले हैं, और उसमें यूजली यही होता है कि फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो सही तो बहुत चांसेस होते हैं। बट अगेन चाहे मेंटल, देखें एक जो सराउंडिंग होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सराउंडिंग से मेरी मुराद क्या है यहाँ पे, फैमिली, बिल्कुल रोल सही। फैमिली, चाहे वो बच्चे की हो, मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हो या एडिक्शन हो। अब देखें अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो फैमिली का रोल वहां पे आता है। बिल्कुल जी एक तो हमने बात की कि जो एडिक्शन यानी कि क्लाइंट की, कि जी उसमें प्री ट्रीटमेंट में कैसे होती है, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर, दूसरा जो डिप्रेशन और ये सारी चीजें होती हैं उसमें भी जो है ना फैमिलीज डिफरेंट डिफरेंट तजर्बे अपना रही होती हैं। ये कह के छोड़ दिया जाता है कि बच्चा है, बड़ा होगा, सही हो जाएगा, हाँ ये निग्लेक्ट होता यानी करते हैं कि अभी बच्चा है तुम नहीं समझोगे, इस तरह स्कूल से आया हुआ है, थका हुआ स्कूल से है, आया रात हुआ है, सोया नहीं थका हुआ था, है, जाग रहा था बिल्कुल कजन्स के साथ, तो ये खुद ही हम लोग अपने वो बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली इस तरह यानी बन रहा होता है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट में किस तरह जो है ना फैमिली यानी आती है, किसी भी चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर के हो जी या एडिक्शन के हो, वहां पे भी क्या रोल यानी होता है फैमिली का, वहां पे भी फैमिली का जो है, क्योंकि अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो जो एक माइंडसेट है कि फॉरन फॉरन सही हो जाए, एकदम ड्राई क्लीन होके मिल जाए विद इन अ 1 वीक, जो कि 4 साल 5 साल से एक जो है अनमैनेजेबिलिटीज आई थी वो फॉरन जो है सही हो जाए, तो एक पर्सपेक्टिव फैमिली का ये भी होता है। जी और सर उसी को अचीव करने के लिए वो जो पैम्परिंग, वो जो इनेबलिंग यानी जो बिफोर द ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी होता है, या फिर फैमिली इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है वो पिछले 4 से 5 साल वो बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देती है, वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं मिलना इससे, मुझे नहीं करना, सारी ब्लेमिंग उसके ऊपर होती है। अगेन डिजीज को नहीं माना जा रहा होता, नशा या मेंटल डिसऑर्डर कि मैं अगर दोनों की यानी एग्जाम्पल दूं तो उसको या तो बद किरदारी या फिर बुरी आदत ये कंसीडर किया जा रहा है। ठीक अगर है मैं हाँ मेंटल डिसऑर्डर की बात करूं तो अक्सर और फैमिली का ये स्टेटमेंट होता है कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी करता है, इसके इसी के साथ के यस वेरी कजन है, कॉमन स्टेटमेंट सो जो साथ ही घर में पले बड़े हैं, उसको देखो इसको हाँ। देखो, तो ये सारा एक माइंडसेट होता है। और फिर अगेन आपको जरूरत है इमोशनल डॉक्टर की, मेंटल डॉक्टर के, चले गए फिजिशियन के पास, तो वही कहेगा ये तो ड्रामे कर रहा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये ऐसा इसको ही पेन है, किलर लगा दो, बस ठीक सुला दो बिल्कुल ऐसा जी ही। आपकी बात जो हाँ है कि अब आवाम के पास अवेयरनेस नहीं होती ना, तो वो पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकेट्रिस्ट हमेशा मेडिसिन देता है, बिल्कुल सही वो मेडिसिन उसमें भी केमिकल है, वो भी जाके ब्रेन के केमिकल से छेड़छाड़ करेगा। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं तो साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देता, वो थेरेपी करता है, तो थेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन वो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट है। बहुत अब जबरदस्त अगर बात, बिल्कुल ये समझने छोटे की जरूरत छोटे बच्चे को आप साइकेट्रिस्ट के पास ले है। जाएंगे तो उसका ब्रेन अभी डेवलपमेंट 20 ईयर्स की एज तक होती ही रहती है, सही तो उसके तो ब्रेन के केमिकल्स हिल गए ना, हाँ तो बिल्कुल ठीक पहले ये देखना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। साइकोलॉजी की अवेयरनेस भी अभी कुछ साल पहले ही आई है, सही इसी कह रहे तरह हैं एडिक्शन की अवेयरनेस भी अभी तक अवाम में आई नहीं है। और जहां तक आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो एडिक्शन भी जेनेटिक उससे होता है, अगर फैमिली में रन कर रहा है तो फिर वो होगा, आगे चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मेंटल डिसऑर्डर भी जेनेटिकली ट्रांसफर करता है, इसमें जो सबसे मेन चीज प्ले अपना रोल प्ले करती है वो एनवायरनमेंट, जैसे यासिर ने कहा घर का एनवायरनमेंट या सोसाइटी का एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही अगर तो आपको नशा करने के लिए माहौल मिल गया तो बिल्कुल आपके जो जीन्स में बीमारी थी वो खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है ये हाँ इसी तरह अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, अग्रेसिव है, तो फिर आपका मेंटल डिसऑर्डर अगर आपकी फैमिली वो में बस चल शिफ्ट रहा है तो कर जाता वो आ है बिल्कुल जाएगा सामने। तो जहां तक एडिक्शन की बात है वो जेनेटिक है लेकिन सही उसमें एनवायरनमेंट का रोल होता है, और एनवायरनमेंट नॉट टू मिस आउट फैमिली की हम बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट इमीडिएट एनवायरनमेंट आपका फैमिली। जो फैमिली में जो 18 घंटे होता है मैक्सिमम, बच्चे और सब लोग एक साथ होते हैं, इंटीग्रेटेड फैमिली का कोई भी फॉर्मेट हो, 4 बंदे हो या 8 बंदे हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, कंबाइंड फैमिली हो, तो उस सारे फैमिली के एक एक मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कंटिन्यू करेंगे आखिर में, छोटा सा एक दो ईमेल्स लेंगे जो हमारे व्यूज़ ने भेजी है हमें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।